Hello friends, I welcome you to our channel Vital Mind Visual, and in this video I'm going to share the follow-up question of describe an article on health you read in a magazine or on the internet. So hum is video mein discuss karenge follow-up question jo ki hain आर्टिकल जो आपने हेल्थ के ऊपर रीड किया हो, या तो वो मैगजीन में पढ़ा हो या फिर आपने वो इंटरनेट पे पढ़ा हो, तो हमें यह बताना है. सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. व्हाई डू डिफरेंट पीपल लाइक टू रीड डिफरेंट मैगजीन्स. तो हमें यह बताना है कि अलग अलग तरह के लोग क्यों अलग अलग तरह की मैगजीन्स को रीड करना पसंद करते हैं. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Different individual like to read different magazine. So यहाँ पे people बोला गया था question में, तो हमने इसको paraphrase किया और हमने लिख दिया individual, जो कि people का synonym है, कि अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह की magazine पढ़ना पसंद है, उन वो like करते हैं, ये करना पसंद करते हैं. Because क्योंकि their interests are different, क्योंकि उनका जो interest है, उनकी दिलचस्पी अलग अलग चीज़ों में है, जो कि different है. If someone loves sports, अगर किसी को sports बहुत ज़्यादा पसंद है, read sports magazine, वो person क्या करेगा, read करेगा sports magazine. सच है, जैसे कि तो यहाँ पे हम sports magazines के नाम लिख रहे हैं जो कि इंडिया में है, like sports star, cricket today, those who are interested in film celebrities. सो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है फिल्म सेलिब्रिटीज़ में, एंड वो क्या करते हैं, रीड मैगजीन्स, लाइक वो वैसे ही मैगजीन्स रीड करते हैं. फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे भी एग्जांपल देंगे, जो मैगजीन्स हैं फिल्म से रिलेटेड इंडिया में अवेलेबल, तो हम बोल सकते हैं फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, वोग एंड फॉर्ब्स लाइफ. तो आप इनमें दो या तीन के एग्जाम्पल दे सकते हो गाइस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What kind of magazines do teenager like to read? तो गाइज हमें यह बताना है कि जो teenagers हैं उनको किस तरह की मैगजीन पढ़ना पसंद है. तो हमें बेसिकली यह बताना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ होती हैं, लाइक अलग अलग तरह की होती है, तो हमें बताना कि कौन कौन सी हैं वो. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन्स, कि यहाँ पे अलग अलग तरह की मैगजीन्स हैं विच टीनेजर लव टू रीड, जो कि टीनेजर को पसंद है पढ़ना. सच है, जैसे कि स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए, फैशन, म्यूजिक, रिव्यूज, सेलिब्रिटीज, मेकओवर्स, ब्यूटी, लव लाइफ, हेल्थ एंड फिटनेस, कॉलेज लाइफ एंड पार्टीज मैगजीन. तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पे उनको मैगजीन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. What's the difference between news on TV and news in magazine? तो basically हमें ये बताना है कि क्या difference है जो हम news सुनते हैं TV पे, जो news देखते हैं TV पे, और जो हम news पढ़ते हैं magazine में, इन दोनों में क्या difference है. The answer of this question is there are many difference. यहाँ पे बहुत ज़्यादा difference है इन दोनों के बीच में, सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा differences हैं बिटवीन न्यूज़ ऑन टेलीविजन एंड न्यूज़ इन मैगजीन. जो न्यूज़ हम टेलीविजन में देखते हैं या सुनते हैं, और जो न्यूज़ हम मैगजीन में रीड करते हैं. बट द मेजर डिफरेंस इज कंटेंट. तो फर्स्ट जो हम बताएंगे वो मेजर डिफरेंस है, वो कंटेंट को लेके है. द कंटेंट इन न्यूज़पेपर्स, जो कंटेंट होता है न्यूज़पेपर्स में, इज करंट न्यूज़, वो करंट न्यूज़ होती हैं, and developments on ongoing issues in the world. और development के बारे में बताया जाता है जो कि पूरे world में चल रही होती हैं, with short articles. और articles अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा short होते हैं. On the other hand, अगर हम दूसरी ओर बात करें magazines की, magazines have specific content such as fashion and sports with long articles. सो जो मैगजीन्स होते हैं, सबको बताया गाइस, उसमें एक स्पेसिफिक कंटेंट के लेके होती हैं मैगजीन, जैसे कि कुछ मैगजीन फैशन के ऊपर होती है, स्पोर्ट्स के ऊपर होती है, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर होती है, ब्यूटी एंड लाइफ, लाइक ऐसी ऐसी मैगजीन्स पे होती हैं. पर उसमें क्या होता है, लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं. सो फर्स्ट मेन डिफरेंस हमने ये बता दिया कंटेंट को लेके, और आर्टिकल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर में वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं. ऑन द अदर हैंड, जो मैगजीन में होते हैं आर्टिकल्स, वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये कंटेंट वाला आइडिया ज़्यादा बोरिंग लगा या फिर ज़्यादा डिफिकल्ट लगा याद करने में, तो आप ये बोल सकते हो न्यूज़पेपर हैव अ सिंपल लेआउट, कि अब हम बता रहे हैं उसके डिज़ाइन के बारे में.
कि उनमें डिज़ाइन होता है ना जो न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन का, उसमें भी डिफरेंस होते हैं। न्यूज़पेपर हैव अ सिंपल लेआउट एंड डिज़ाइन। अगर न्यूज़पेपर की बात करें उसमें सिंपल लेआउट यूज़ किया होता है, डिज़ाइन सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी ओर बात की जाए मैगजीन की, मैगजीन हैव अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन विद एन एम ऑफ कैचिंग द रीडर्स आई। सो जो मैगजीन होते हैं उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन किया गया होता है, जिससे कि उनका एक एम होता है कि हम जो रीडर हैं उनकी जो आई है उसको कैच कर सके, लोगों को ये अच्छे लगे, लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसलिए जो मैगजीन्स हैं उसमें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू पीपल लाइक टू रीड न्यूज़ फ्रॉम द इंटरनेट। तो हमें बताना है कि लोगों को इंटरनेट से न्यूज़ पढ़ना पसंद है या नहीं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, कि हाँ यंग मल्टीट्यूड लाइक टू रीड न्यूज़ फ्रॉम द इंटरनेट, बिकॉज क्योंकि दे कैन रीड एनी न्यूज़पेपर, वो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो अगर कहीं पे भी हैं वर्ल्ड में, किसी भी प्लेस पे रहते हैं, तो वह क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं इंटरनेट की बदौलत। नाउडेज आजकल यूथ लव टू स्पेंड टाइम ऑन इंटरनेट। जो आजकल का यूथ है उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो अपना टाइम स्पेंड करना है इंटरनेट पे, एज दे आर टेक सेवी। सो गाइज हेयर टेक सेवी का मतलब कि उनको टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। टेक सेवी का मतलब ये होता है इट इज़ वेरी कन्वीनियंट वे टू फाइंड एवरी न्यूज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी वाला तरीका है जिससे कि लोग न्यूज़ पढ़ सकते हैं, आसानी से न्यूज़ देख सकते हैं, तो आसानी से न्यूज़ को सर्च भी कर सकते हैं। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज डू पीपल स्टिल बाय मैगजीन्स इन योर कंट्री। तो हमें बताना है कि हमारी कंट्री में मैगजीन्स लोग बाई करते हैं अभी भी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज येस, कि हाँ इंडियन मल्टीट्यूड स्टिल लाइक टू बाय मैगजीन्स। जो इंडियन लोग हैं उनको मैगजीन अभी भी खरीदना पसंद है, बिकॉज दिस कैटर टू स्पेशल फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इफ़ समवन लव स्पोर्ट्स, अगर किसी को स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ही और शी डेफिनेटली परचेजेस स्पोर्ट्स मैगजीन सच एज स्पोर्ट्स स्टार, क्रिकेट टुडे। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो वह डेफिनेटली स्पोर्ट्स मैगजीन खरीदेगा, जैसे कि स्पोर्ट्स स्टार हो गया, क्रिकेट टुडे हो गया। तो हमने ये दोनों एग्जाम्पल दे दी। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी ओर देखा जाए, इफ एनीवन लव टू रीड डिफरेंट टाइप ऑफ मैगजीन, अगर किसी को और तरह की मैगजीन, बिल्कुल अलग तरह की मैगजीन्स रीड करना पसंद है, सो इसलिए दे मे परचेज दैट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। सो वो पर्सन वो मैगजीन खरीदेगा उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज गाइज, डू यू थिंक पीपल टूडे आर हेल्थियर देन दोज इन द पास्ट। तो हमें यह बताना है कि आज के टाइम में लोग ज़्यादा हेल्थियर हैं अगर हम कंपेयर करें पास्ट से। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ आई कंसिडर, कंसिडर का मतलब होता है थिंक, हाँ मुझे लगता है कि नाउडेज आजकल, डेनिजन का मतलब होता है पीपल आर हेल्थियर, कि पीपल ज़्यादा हेल्थियर हैं देन इन द पास्ट, जैसे कि वो पास्ट में थे, बिकॉज इन दिस सेंचुरी, कि अभी के सेंचुरी में पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, कि आजकल की जो सेंचुरी है इसमें क्या है, लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं अपनी हेल्थ के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द लेवल ऑफ अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज्ड इन द सोसाइटी। जो लेवल है अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है सोसाइटी में अबाउट हेल्थ इशूज, हेल्थ इशूज़ के बारे में, विच हैव मेड इंडिविजुअल्स मोर अवेयर रिगार्डिंग दिस, जो कि इंडिविजुअल को बहुत ही ज़्यादा अवेयर कर देता है रिगार्डिंग हेल्थ इशूज़। दैट इज़ वाई, इसीलिए इन द प्रेजेंट सिनेरियो अभी के टाइम में पीपल आर मोर हेल्थियर देन इन द पास्ट। सो पीपल बहुत ज़्यादा हेल्थियर हैं अगर हम इसको कंपेयर करें पास्ट से। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, आप वो उससे रिलेटेड हमें फीडबैक दे सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे चैनल को तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने आई एस रिलेटेड, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे ही आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलता रहेगा आपके फ़ोन पे बहुत ही आसानी से। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Bye bye and take care.